हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने सेट थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन फॉर क्लास 11th। तो रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसमें क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये वर्ड आ गया ऑर्डर्ड पेयर्स, मैं इसको भी समझाऊंगा ऑर्डर्ड पेयर क्या है। हुज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ ए, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो और ये जो ए और बी का जो हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो उसको दिखाएंगे इस तरह से, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये वेक्टर वाला क्रॉस नहीं है, ए क्रॉस बी बस बोलते हैं इसको। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल कि कोई ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3 इस तरह से, और एक सेट मैंने ले लिया बी, इसमें डाल दिए ए कॉमा बी इस तरह से। ठीक है, तो अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना हो, ए क्रॉस बी निकालना हो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ लिखा हुआ उसको मैं डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी लेना है। तो आपको ए सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बी वाले से, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट वाले एलिमेंट से इसके सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से ऑर्डर पेयर में 1, a इस तरह से, 1 और a का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। और यही जो इस तरह से लिखा हुआ इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो अगला देखते हैं, 1a हो गया, फिर अगला 1b, 1, b, फिर अगला 2a कॉमा देना इस तरह से, फिर 2b, फिर 3a, फिर 3b। तो ये हो गया इसका a क्रॉस b, यही हो गया a क्रॉस b। और ये जो चीज़ें आया हुआ है, ये सब चीज़ें, ये यही सब क्या कहलाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये सब क्या है, ऑर्डर्ड, ये जो बोला गया था ना ऑर्डर्ड पेयर, वही है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर से सब। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो है तो पेयर हो गया, और इसी ऑर्डर में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे पूछा जाए क्या ए ए कॉमा बी, चाहे ऐसे ले लेते 1, 1, a बराबर होगा ए कॉमा 1 के, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑर्डर पेयर को इक्वल होने के लिए उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए, और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए। नाम ही है ऑर्डर पेयर, यानी कि ऑर्डर मैटर करेगा। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाए और सेकंड कोऑर्डिनेट भी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये तो होगी ऑर्डर पेयर की बात। तो क्या सिर्फ दो सेट का ही क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट लिया जा सकता है, तीन का नहीं लिया सकता है? बिल्कुल लिया सकता है, तीन का, चार का, जितना मर्जी हो उतना ले सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर दो सेट का जब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो जो यहाँ पे एलिमेंट बन के आता है वो एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है। ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, और ये सभी एलिमेंट किस फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर्स में है। तो जब तीन सेट को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ऑर्डर पेयर नहीं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स मिलेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट्स, उसमें तीन आ जाएगा, इसलिए ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोलेंगे। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ए क्रॉस बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आता है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आता है। तो मैं आपको दिखा दूं कि अगर ए सेट है तो इसमें कितना एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो कितना एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, दो एलिमेंट। तो हम लोग क्या देखें कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आ गया, 1 2 3 4 5 6
सिक्स एलिमेंट आ गया, तो सिक्स कैसे आया होगा, थ्री टू जा सिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के पास एक फार्मूला आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, जबकि ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये इसका फार्मूला हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का। ठीक है, जैसे मान लो कि ए सेट में अगर पांच एलिमेंट है, ठीक है, और बी सेट में मान लो कि तीन एलिमेंट है, तो अगर किसी ने पूछा कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो 5 × 3 = 15, यानी 15 एलिमेंट्स होंगे। तो ये बात होगी किसकी, कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, वो मैंने आपको बताया, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल हो, मतलब बिल्कुल सेम हो, तभी इक्वल होते हैं। और अगर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कर देंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बाय एरो डायग्राम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को एरो डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाते हैं। अब ये एरो डायग्राम होता क्या है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कोई ए सेट ले लिया, इसमें 5, 6, 7 इस तरह से, और एक बी सेट ले लेते हैं जिसमें ले लेते हैं चलो 3, 2 ले लेते हैं इस तरह से। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आप ए क्रॉस बी निकालिए किसके थ्रू, बाय एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम के लिए क्या करना होता है कि दो अंडा लेना होता है इस तरह से, मतलब इस तरह से फिगर लेना होता है ना। तो इसमें क्या ले लेंगे, 5, 6, 7, ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। तो दो अंडा ले लिया मैंने, 5, 6, 7, ये हो गया 5, 6 और ये 7, और ये हो गया 3 और ये 2। अब हमें क्या करना है, एरो डायग्राम, नाम ही इसका क्या है, एरो डायग्राम, यानी एरो के थ्रू हमें दिखाना है। तो जब हम लोग क्रॉस इसका प्रोडक्ट लेंगे, तो 5 का जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट पहले 3 के साथ फिर 2 के साथ, तो वो प्रोडक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो 5, 3 यानी 5 का एरो 3 के साथ, फिर 5 का एरो 2 के साथ, तो ये 5 के साथ जो भी ऑर्डर पेयर बनना था वो हो गया। अच्छा, अब 6 का बना लेते हैं, तो 6 का ऑर्डर 3 के साथ, फिर 6 का ऑर्डर 2 के साथ, फिर उसी तरह से 7 का 3 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम लिखना चाहें इस तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी हमें क्या मिल रहा है, 5, 3 यानी 5, 3, फिर 5, 2, 5, 2 और फिर 6, 3, 6, 3, फिर 6, 2, फिर 7, 3, फिर 7, 2। तो ये हो गया आपका, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये एरो डायग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच ए वे दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, मतलब ये हुआ कि ए एंड बी का जो प्रोडक्ट है उसमें कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट कैसे आया होगा, तो या तो ए में 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट रहा होगा, या तो इसमें 2 या तो इसमें 3, इस तरह से ऐसा रहा होगा, या फिर इसमें 1 इसमें 6 एलिमेंट, या इसमें 6 इसमें 1, इस तरह से रहा होगा। तो इस तरह से 6 एलिमेंट आया होगा। एंड इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कितना, अब ये जो ए क्रॉस बी है इसमें कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, उसमें से 3 एलिमेंट दिया हुआ, 1, 2, 3 तीन एलिमेंट दिया हुआ है। देन व्हाट आर इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो एलिमेंट तो टोटल 6 होना चाहिए था ना, तो 3 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि बाकी 3 आप निकालिए, रिमेनिंग एलिमेंट, बाकी जो बच गया एलिमेंट्स उसको आप बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को पहले कर देता हूँ, ठीक है, कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सॉरी ए कॉमा बी, देन फाइंड, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप ए क्रॉस बी निकालिए फिर बी क्रॉस ए निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो बताया गया था कि एक्स कॉमा ए
एक्स कॉमा ए, इस तरह से ऑर्डर पेयर, फिर अगला एक्स कॉमा बी, फिर अगला वाई कॉमा ए, फिर अगला वाई कॉमा बी, फिर अगला जेड कॉमा ए, फिर अगला जेड कॉमा बी। तो इस तरह से ये आ गया ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। अब एक बार हम लोग बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए कितना आएगा, तो b क्रॉस a करेंगे तो इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a कॉमा x, a कॉमा x, अगला a कॉमा y, अगला a कॉमा z, ठीक है। फिर अगला b कॉमा x, b कॉमा x, फिर अगला b कॉमा y, b कॉमा y, फिर अगला b कॉमा z। तो ये हो गया क्या, b क्रॉस a। तो हम लोगों ने क्या नोटिस करा कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि X कॉमा A और A कॉमा X इक्वल नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट का इक्वल हो, जो कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हम लोग क्या नोटिस किए कि A क्रॉस B डज नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ें ये है कि जब हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे होते हैं तो जो एलिमेंट्स आता है उसमें जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, उसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है वो किसका एलिमेंट होता है, तो ये पहले वाले सेट का होता है। और ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरा वाला जो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है वो किसका एलिमेंट होता है, वो सेट बी का होता है। ध्यान से देखिए आप, जो पहला कोऑर्डिनेट है x, x, y, y, z, z, तो x, y, z ये किसका एलिमेंट्स है, तो सेट A का, मतलब पहला वाला जो सेट है। और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो किसका एलिमेंट है, वो सेट B का है, सेट B का है। तो आप ध्यान से देखें तो एलिमेंट्स A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स हुआ ये हुआ ये सभी क्या है, एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है टोटल। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो एलिमेंट है यानी कि जो ऑर्डर पेयर है उसका जो पहला एलिमेंट है, देखो दो जगह रिपीट कर रहा है, यहाँ भी दो जगह रिपीट किया, यहाँ भी दो जगह रिपीट किया। तो अगर मान लो A क्रॉस B ही दिया रहे और हमसे पूछे कि आप बताइए A सेट क्या होगा, B सेट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि X, X, Y, Y और Z, Z है। तो हम क्या देखते हैं कि X रिपीट कर रहा है, तो हमें रिपीट ना करते हुए A सेट लिख देना है। हम बोलेंगे A सेट क्या होगा, A सेट होगा X, फिर Y और फिर Z, रिपीट नहीं करना, यानी X, Y, Z। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर A क्रॉस B दिया हुआ है तो उसको देखते हुए A सेट को हम लिख दिए कितना है, फिर B सेट लिखना हो तो B सेट में भी उसी तरह से करेंगे, रिपीट नहीं करना है। तो B सेट में देखेंगे सेकंड वाला एलिमेंट, तो A, B, A, तो A रिपीट नहीं करना चाहिए, तो A, B, मतलब सिर्फ A, B है, तो क्या आ जाएगा, A कॉमा B। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर A क्रॉस B अगर दिया हुआ है तो आप सेट A और सेट B भी लिख सकते हैं, किस तरह से, रिपीट ना करते हुए, ठीक है, क्योंकि ये सेट होता है ना, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करता। अच्छा, फिर आप, मैंने आपको ये भी बताया कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि A क्रॉस B का तीन एलिमेंट, एक दो तीन एलिमेंट दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए था कितना, 6 एलिमेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो तीन एलिमेंट है इससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो A क्रॉस, नंबर ऑफ गिवन क्या था, नंबर ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना होना चाहिए था, 6। इसमें से कुछ एलिमेंट्स इसने दे रखा है, A क्रॉस B में दे रखा है, कौन कौन सा, वो दिया है 1, 3, अगला है 2, 5 और अगला है 3, 3। तो ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है ये किसका एलिमेंट रहा होगा, A का, तो A में रहा होगा एलिमेंट 1, 2, 3, एलिमेंट 1, 2, 3 रहा होगा, क्योंकि 6 एलिमेंट है तो एक में अगर 3 आ गया है तो दूसरे में 2 ही एलिमेंट होगा। तो आप ध्यान से देखें 3, 5, 3, तो रिपीट नहीं करना है, तो 3 और 5 हो जाएगा, तो दूसरे वाले सेट में एलिमेंट क्या आ जाएगा, 3 और 5। तो अब हमसे क्या पूछा गया था कि तीन एलिमेंट तो उसने दे रखा था, बाकी तीन एलिमेंट हमें दिखाना है, तो बाकी तीन कौन सा हो जाएगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट, जो हमारा रिमेनिंग एलिमेंट होगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स वो कौन सा होगा। तो देखिए
हमें ए क्रॉस बी में बताना, तो 1, 3 वो पहले से है तो हम नहीं लिखेंगे, 1, 5 तो हाँ ये रिमेनिंग में है तो 1, 5 आ जाएगा रिमेनिंग में। फिर 2, 3 है क्या? नहीं है तो ये भी हमारा रिमेनिंग वाला पार्ट है। फिर 2, 5 वो पहले से है, फिर 3, 3 वो पहले से है, 3, 5 तो ये रहा 3, 5 3, 5। तो 3 एलिमेंट उसने खुद दे रखा था, बाकी 3 एलिमेंट हम लोग निकाल के दिखा दिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बेसिकली हम किए क्या कि जो ए क्रॉस बी में जो कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ था उसके थ्रू हम सेट ए और सेट बी निकाल लिए और जो बच गया था एलिमेंट्स उसको लिख दिए, हो गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर रिलेशन पे एंट्री करेंगे। ये तो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स हम आपको दिखाए थे, तो अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।